हेलो गाइस, जैसा कि यह हमारा पहला ब्लॉग वीडियो है, हम आ चुके हैं गड़ादाई मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ के तिलौली में स्थित है। हमने सोचा कि हमारा पहला ब्लॉग वीडियो है तो इस वीडियो की इस जर्नी की शुरुआत बहुत ही अच्छे से किया जाए और उसके लिए हम माँ का आशीर्वाद ले लें और आप सबको भी माँ का दर्शन करा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्यारा जैतपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। गाइस, मंदिर पहुंचने के लिए हमें 20 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, इसलिए हम पहले गाड़ी पे पेट्रोल डलवाएंगे फिर निकल जाएंगे मंदिर के लिए। तो गाइस, फाइनली गाड़ी में पेट्रोल डल चुका है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये कुछ साल पहले ही बनकर कंप्लीट हुई है। आप देखकर गेस करिए तो ये बिल्डिंगें क्या चीज़ हो सकती हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे। यहां से हमें मंदिर के लिए अंदर जाना है। इस टाइम पे रोड जो है बन चुके हैं, मेन रोड से करीब 800 मीटर आप अंदर जाना पड़ेगा फिर जाके मंदिर पहुंचेंगे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर। आप देख सकते हो मंदिर कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है और यहाँ से ऊपर देखने पर मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वाटर टैंक लगा हुआ है तो आपको पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। नल लगा हुआ है, आप वहाँ से पानी ले सकते हैं। यहाँ से देखने में कितना खूबसूरत लगता है नज़ारा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बना दी गई है जिसकी सहायता से हम आसानी से ऊपर चढ़कर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इन सीढ़ियों में छोटे बच्चे भी आसानी से चढ़ सकते हैं। फाइनली हम थोड़ा ऊपर पहुंच चुके हैं और यहां से आप नज़ारा देख सकते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है। यहीं से लग रहा है कि बहुत ऊंचाई पे हम आ चुके हैं जबकि अभी और भी ऊंचाई तक चढ़ना है। तो चलिए और आगे तक चलते हैं और देखते हैं वहां से कैसा नज़ारा दिखता है। अभी बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी है। फाइनली आधी ऊंचाई तो हम पहुंच चुके हैं। यहां पे हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं हमारे शिव जी के और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो तो काबिले तारीफ है। बहुत ही खूबसूरत और दूर तक का यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। और ये देखो सामने का पहाड़ और भी ऊंचा है, वहाँ से भी नज़ारा जाके देखेंगे। इतना दूर तक का नज़ारा यहाँ से हमें जी का
आशीर्वाद लेके ऊपर की ओर चलते हैं। वो जो ऊंची जगह पे झंडा दिख रहा है वहाँ पे भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे और देखेंगे कैसा नज़ारा दिखता है और मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी चल के हम सब दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं। सामने हनुमान जी का मंदिर है और हम आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा ऊपर। यहाँ से बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और सामने है माता का मंदिर। चलिए जल्दी से माता का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे इस ब्लॉगिंग की जर्नी का शुभारंभ करते हैं और आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे फैमिली यानी भारत दर्शन फैमिली में शामिल होंगे और हम आप सबको नई नई जगह की वीडियो दिखाते रहेंगे और वहाँ के बारे में बताते रहेंगे। देखिए यहाँ पर जाने का कोई ऑप्शन नहीं दिखता और कैसे यहाँ पर घंटी बांधी गई होगी, यहाँ पर एकदम आश्चर्य लगता है देखकर इतनी ऊंचाई पर और कितना दूर है वो जगह, वहाँ पर घंटी बांधी गई है। सच में एकदम से आश्चर्य लगता है देखकर। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। चलिए प्रवेश करते हैं मंदिर में और माता के दर्शन करते हैं। पहाड़ के बीचों बीच में एक बड़े से चट्टान के नीचे माता विराजमान है। यहाँ पे माता की मूरत रखी हुई है जो कि चुनरी से ढक दी गई है। Thank you.
का दर्शन करने चलते हैं, जो कि उस सामने वाले पहाड़ पे विराजमान है। यहाँ से देखिए गाइस, इतना खूबसूरत यह नजारा लगता है। देखिए यहाँ से कैसा दिखता है, इतना खूबसूरत लगता है पेड़ और पहाड़ों के बीच में माता का मंदिर। और चलिए अब करते हैं हमारे हनुमान जी का दर्शन। कौन कौन हनुमान जी का भक्त है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ से नीचे का नजारा देखिए, कितना खूबसूरत लगता है सब। इतने दूर तक का नजारा हम एक ही जगह पे खड़े होकर देख सकते हैं। सामने है एक और पहाड़ और चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है, इतना हरा भरा लगता है, बहुत ही खूबसूरत। और चलेंगे सामने वाले पहाड़ में, जहाँ पे सबसे ऊपर एक और मंदिर है और उनका भी आपको दर्शन कराते हैं, और वहाँ से भी देखेंगे कैसा व्यू आता है चारों तरफ का, कितना दूर तक का नज़ारा दिखता है। चलिए चढ़ते हैं इस वाले पहाड़ को और सबसे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इतना आसान भी नहीं है यहाँ चढ़ना। देखिए गाइस, अभी और भी बहुत ऊंचा है पहाड़, बहुत चढ़ना है तब जाके हम पहुंचे हैं सबसे ऊपर वाले जगह पे। और यहाँ से नज़ारा देखिए, सामने है एक और पहाड़ जो इससे भी ऊंचा है, और यहाँ पे हमारे शिव जी सबसे ऊपर विराजमान हैं। प्रारंभ में भी शिव थे और अंत में भी शिव थे, इससे एक बात याद आती है, शिव ही प्रारंभ हैं और शिव ही अंत हैं। यहाँ से देखिएगा कितना दूर तक का नज़ारा दिख रहा है, और सब कुछ कितना छोटा छोटा दिख रहा है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं पर यहाँ से देखने पे एकदम लग रहे हैं पौधे हैं, बहुत छोटे दिख रहे हैं। वो वाला सड़क देखिए जहाँ से हम लोग आए हैं, वो कैसा दिख रहा है यहाँ से। वाह, बहुत ही खूबसूरत यार। एक बार अगर आप यहाँ आते हो ना, जाने का मन नहीं करेगा, इतना खूबसूरत, एकदम शांत सा जगह है। ये देखिए जो हनुमान जी का मंदिर यहाँ से, वो भी कितना छोटा लग रहा है। फाइनली अब वक्त आ रहा है यहाँ से जाने का। और जाते जाते यहाँ का एक बार और आपको नजारा दिखा देते हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा पर घर तो जाना ही पड़ेगा ना। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कभी लाइफ में यहाँ आने का मौका मिले तो आप आइएगा जरूर। यहाँ आने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए वीडियो को करते हैं इसे समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जगह के साथ। अभी के लिए बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।